नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिएस्टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल से अक्टूबर स्टार्ट हो रही है और जो 46,000 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है वो अक्टूबर में ही आ रही है। तो अक्टूबर में कौन कौन वैकेंसी निकल के आ रही है? फार्मासिस्ट, ओटी, ईजीसी, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम, जेएनएम, पारा मेडिकल, ड्रेसर, तो सभी वैकेंसी अक्टूबर में ही आ रही है, या दो चार वैकेंसी अक्टूबर में आएगी, बाकी नवंबर दिसंबर में आएगी। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, जो अक्टूबर में कौन कौन वैकेंसी निकल के आ रही है और जो भी वैकेंसी निकल के आ रही है इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए उम्र सीमा क्या निर्धारित किया गया है, सभी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए अक्टूबर में जो वैकेंसी निकल के आ रही है, तो सबसे पहले एएनएम, जेएनएम और ड्रेसर की वैकेंसी निकल के आएगी। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि सभी वैकेंसी नहीं आएगी, सभी वैकेंसी आएगी। जैसे फार्मासिस्ट, ओटी, ईजीसी, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम, जेएनएम, पैरामेडिकल, ड्रेसर, सभी वैकेंसी निकल के आएगी। बट सबसे पहले एएनएम की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपको जेएनएम की आएगी, उसके बाद आपको ड्रेसर की वैकेंसी आएगी और बाकी जो वैकेंसी बच रही है तो नवंबर तक ये सब वैकेंसी आपको आएगी। तो जो भी ये स्टूडेंट हम पहले ही बता दिए, जो एएनएम का क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास ले लीजिए, उसके लिए हम अलग से आपको बता देंगे। जीएनएम का क्लास भी अक्टूबर में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको अभी पता होना चाहिए डिजिटल क्लास मेरा तैयार हो चुका है और अक्टूबर से हम आपको क्लास देने वाले हैं। एक दो दिन में जो कमी है वो भी पूरा कर लेते हैं और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स आपको क्लास मिलेगी, वो एएनएम, जेएनएम, पैरामेडिकल, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, ओटी, ईजीसी, एक्सरे टेक्नीशियन, सभी की क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स मिलेगी। और जो आपको पेड कोर्स है तो पेड कोर्स अलग से आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एएनएम की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपको जेएनएम और ड्रेसर की वैकेंसी आएगी, बाकी वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक आपको आएगी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट एएनएम का क्लास नहीं लिए हैं, फटाफट एएनएम के क्लास ले लिए। इसके लिए आपको देख लीजिए स्क्रीन पर ही मेरा स्कैनर और मेरा नंबर चल रहा है, तो स्कैनर से आपको 499 पे करना है, नहीं तो नंबर है मेरा गूगल पे या पेटीएम, इसी से आपको 499 पे करना है। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अभी जो क्लास हुई है जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको क्लास मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जो रेगुलर क्लास हो रही है वो रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बात कर रहे हैं इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला। तो दोस्तों अभी जो सिलेबस है बीटीएससी एएनएम का यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। हो सकता है तो 10% सिलेबस चेंज होगी, बाकी नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात है जीएनएम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला, तो पहली बता दिए है जीएनएम के लिए पहले वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद ही सिलेबस के बारे में हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी पिछले लगभग 4 से 5 सालों से जीएनएम की वैकेंसी नहीं आई है, इसीलिए अभी सिलेबस के बारे में फुल्ली क्लियर नहीं हो पा रही है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। दूसरी बात है जो एएनएम के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर इसके लिए एज क्या निर्धारित किया गया, तो देखिए जो संविदा पर वर्क कर रहे हैं उन लोग के लिए एज में छूट दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, उसके बाद एससी, एसटी, सभी के लिए एज में छूट दिया गया, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना। 40 इन एबव भी है तो फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग आपको गाइडलाइन जारी किया है, उस पर भी ऑलरेडी हम आपको वीडियो बना दिए हैं जो किसको कितना छूट मिलेगा। कैटेगरी वाइज जेंडर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और हैंडीकैप के लिए कितना कितना छूट मिलेगा ऑलरेडी उस पर हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं इसी चैनल पे आप जाइए और वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एज में भी छूट मिलेगी, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है जो मेरा एज एक्सपायर हो रहा है तो हम कैसे तैयारी करेंगे, एज में आपको छूट मिलेगी। साथ ही साथ अगर संविदा पर वर्क कर रहे हैं तो आपको नंबर भी दिया जाएगा, जो संविदा का जो है हर साल आपको 5 नंबर जो है इंक्लूड किया जाएगा, वो नंबर भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं जो बीटीएससी एएनएम 10709 में ही हम लोग की वजह से अभी ये वैकेंसी रुकी हुई है, नहीं तो ये वैकेंसी कब क्लियर हो जाती और सीबीटी क्वालिफाई वाले ज्वाइन कर जाते।
बट अभी जो भी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकल के आ रही है सभी में एग्जाम के आधार पर क्लियर होगा। क्या होगा? एग्जाम के आधार पर क्लियर होगा। सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस आपको टेस्ट आपको लिया जाएगा, जैसे टीसीएस लिया था बीटीसी एनएम, तो हो सकता है टीसीएस को दे या अदर कोई कंपनी को दे, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और आप लोग के लिए पप्पू भाई देख लीजिए कितना खर्च करके ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स में जो है क्लास देने के लिए तैयार है, इसीलिए सभी लोग पप्पू भाई से जुड़िए, जो भी क्लास नहीं लिया है पहले पेड कोर्स ले लीजिए, और यूट्यूब पर तो आपको ऑनलाइन क्लास चलेगी ही चलेगी, लगभग एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो जो पप्पू भाई आप लोग से वादा किया था 32,127 एनएम बहनों से, पप्पू भाई वो वादा बखूबी निभा रहे हैं। अब आप लोग पप्पू भाई के साथ है या नहीं है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कल से अक्टूबर स्टार्ट हो रही है और वैकेंसी रिलीज अक्टूबर में ही होगी, तो उसके लिए पहले आपको प्रिपरेशन जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता दिया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ 12 बजे लाइव आना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि विशेष बातें न्यू वैकेंसी पुराने वैकेंसी रिगार्डिंग 12 बजे हम लोग लाइव डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।